नमस्कार, मैं हूँ पंडित संतोष कुमार भारद्वाज। आज मैंने जो विषय चुना है आपके लिए वो है भाग्य रेखा, और मैं अब आपको ये भाग्य रेखाएं यहाँ दिखा रहा हूँ। आप इसमें देखिए, चित्र में मैंने आपको अलग अलग स्थानों से निकलने वाली भाग्य रेखाएं बताई हैं, और उन सब के ऊपर मैंने संख्या भी डाली है। जैसे मणिबंध से शुरू हो रही है रेखा, उसके बाद केतु क्षेत्र से है, फिर जीवन रेखा से है। अब मैं आपको एक एक करके इनका विस्तृत वर्णन दे रहा हूं। तो अभी मैंने आपको जैसा चित्र दिखाया, उसमें आप देखेंगे कि सबसे पहले मैं ले रहा हूं मणिबंध से निकलने वाली रेखा, इसको मैंने नंबर एक दिया है। ये मणिबंध क्षेत्र से निकलकर शनि क्षेत्र तक जाती है, और ये बहुत शुभ है। और इसकी लंबाई गहराई पूरी हो और रंग काला हो, तो ऐसे जातक जो होते हैं वो सामान्यतः अपना पैतृक कार्य करते हैं। जैसे मूर्ति बनाना है, मकान बनाना है, तो इन लोगों को अपना काम करने में किसी किस्म की परेशानी नहीं होती और पर्याप्त धन कमाते हैं। दूसरी रेखा है केतु क्षेत्र से चलने वाली, यानी हथेली के इस जगह से चलने वाली रेखा, यहां से मीरात्मक नहीं है। इस तरह की जो रेखा होती है ये भी शनि क्षेत्र को जाती है, और ऐसा जातक भी जो भी काम करता है उसमें पर्याप्त अपना भरण पोषण कर लेता है। वैसेक्ट यानी मणिबंध क्षेत्र से और केतु क्षेत्र से चलने वाली जो रेखाएं होती हैं, प्रारंभ होने वाली रेखाएं कटी फटी ना हो, पूरी सीधी शनि क्षेत्र तक पहुंचे, तो ऐसे जातकों को अपनी पैतृक संपत्ति या खानदानी काम से पैसे का लाभ होता है। अब इसके अलावा जो तीसरा है मेरे पास, वो तीसरी रेखा जो है वो शुरू हो रही है जीवन रेखा से, और इसमें एक थोड़ा परिवर्तन है। जीवन रेखा से शुरू होने वाली जो रेखा है, इस रेखा के जातक सामान्यतः समाज से भी होते हैं, मतलब उनको निष्काम सेवा करते हैं अपने घर के सभी सदस्य, नातेदार, रिश्तेदार, मित्र, और यहां तक कि गली मोहल्ले वालों तक की भी सेवा ये लोग करते हैं। तो ये रेखा भी काफी उत्तम है। इसके बाद आप देखेंगे चार नंबर रेखा है, ये उच्चवर्ती शाखा है जीवन रेखा की। ऐसा व्यक्ति जीवन में बहुत तरक्की करता है। पांचवें नंबर की जो रेखा है ये शुक्र क्षेत्र से शुरू होती है और शनि तक जाती है। इसके बाद हम ये देखते हैं कि एक और रेखा मतलब बनाई है मैंने इसमें सात नंबर, ये रेखा भी जीवन रेखा की उच्चवर्ती शाखा है, और छह नंबर जो रेखा मैंने बनाई है वो भी जीवन रेखा से निकलती है, मगर वो राहु क्षेत्र पे खत्म हो जाती है। तो इसका फल और पांच नंबर पे चलने वाली रेखा का फल लगभग एक ही है। चार नंबर पे जो रेखा है वो शुक्र क्षेत्र से चली है मगर स्टार से, ऐसे व्यक्ति का पालन पोषण उसके नाते रिश्तेदारों की मृत्यु, माँ बाप की मृत्यु के बाद नाते रिश्तेदार या कोई जानने वाला करता है। हम आगे जाएंगे, आठ नंबर रेखा इंद्र क्षेत्र से शुरू होती है, नौ नंबर मस्तिष्क रेखा से शुरू होती है, और ग्यारह नंबर शुरू होती है हृदय रेखा से।
इसके बाद में आप देखेंगे 13 नंबर चंद्र क्षेत्र से शुरू होगी, 14 नंबर धर्म क्षेत्र से शुरू होगी, 15 नंबर बुध क्षेत्र से, 16 नंबर सूर्य क्षेत्र से और 10 नंबर निम्न मंगल से और एक रेखा बृहस्पति से शुरू हो रही है, उसको हम नंबर 17 दे देते हैं 17। यहां ध्यान देने की बात यह है कि ये रेखाएं अपने पर्वत के अनुकूल ही फल प्रदान करती हैं। अब जहां तक पर्वत की बात है, पर्वत की 3 स्थितियां होती हैं, सामान्य, दबा हुआ और उठा हुआ। उठा हुआ तो ठीक है, एलिवेटेड, परंतु एग्जेगरेटेड माने बहुत ज्यादा उठा हुआ अगर पर्वत होगा तो परेशानी पैदा करेगा। मैं शनि की बात कर लेता हूं, शनि बराबर पर्वत सामान्य है तो जातक को सामान्य फल मिलेगा, शनि पर्वत दबा हुआ है तो सामान्य फल की बजाय कम फल प्राप्त होगा, अगर शनि पर्वत उठा हुआ है तो इन रेखाओं के साथ जातक को बहुत उत्तम फल मिलेगा और अगर बहुत ज्यादा उठा हुआ है तो नकारात्मक फल पैदा हो जाएगा। या ध्यान रखने वाली बात यह है कि भाग्य रेखा की सहवर्ती रेखा है सूर्य रेखा, यानी अगर हाथ में सूर्य रेखा भी है तो जातक बहुत चमकेगा, बहुत पैसा कमाएगा। अब रेखाओं के रंग की बात करते हैं। रेखा यदि गहरी काली है तो पैतृक काम करने में ही, किसानी का काम है, खेती बाड़ी है या कुछ अन्य कार्य है, तो इनमें जो पर्वत हैं उनका पूरा योगदान होता है। इसके बाद पर्वत की 4 अन्य स्थितियां हैं। एक स्थिति में तो ये सामान्य स्थिति में होता है और 2 नंबर की स्थिति में ये उंगली के पास होता है और 3 और 5 नंबर की स्थिति में ये अपने स्थान से हट जाता है, यानी 3 नंबर है तो भी दूसरे पर्वत की तरफ जाएगा, 5 नंबर है तो भी दूसरे पर्वत की तरफ जाएगा, यानी इस स्थिति में पर्वत पर दूसरे पर्वत का प्रभाव आ जाएगा। अब हम आगे देखते हैं कि ये रेखाएं अगर गुलाबी रंग लिए हुए हैं, गहरी हैं और हल्का गुलाबी रंग लिए हुए हैं, इनका प्रभाव बहुत ही अच्छा होगा, उत्तम प्रभाव होगा। इसके बाद मैंने एक दूसरा चित्र बनाया है, ये मैं आपको दिखा रहा हूं। इसके अंदर आप देखेंगे, पहले आप ये देख लीजिए चित्र को, मैं इसको ब्लॉग पर भी डाल रहा हूं, वहां भी आपको मिलेगा ये चित्र पूरा। इसे मैंने रेखाओं को अंकित कर दिया है, अब मैं आपको ओरली बता रहा हूं। इसमें जो 1 नंबर की रेखा है वो भाग्य रेखा है, उत्तम है, केतु क्षेत्र से शुरू हुई है। इसके बाद 2 नंबर की जो रेखा है चंद्र क्षेत्र से शुरू हुई और ये 2-2 नंबर 2-2 भाग्य रेखा में आकर मिल गई। ऐसे जातक की शादी बहुत शुभ होगी, उसकी पत्नी भाग्यशाली होगी और पति पत्नी मिलकर दोनों अपने भविष्य का निर्माण करेंगे। अब आप देखिए यहां पर 6 नंबर की एक रेखा है जो शुक्र क्षेत्र से शुरू होती है और शुक्र क्षेत्र से शुरू होकर ये जीवन रेखा मिल जाती है। अब जब ये जीवन रेखा में जाके मिल जाती है कोई खास नुकसान नहीं करेगी, माने आपने अपने मन को वश में करके अन्य अपोजिट सेक्स माने विपरीत लिंग वाले व्यक्ति के जो भावनाएं हैं उनको परख कर अपने आप पे काबू कर लिया, परंतु 5-5 यानी इसी रेखा के समांतर दूसरी रेखा है, ये भी शुक्र क्षेत्र से शुरू हुई है और ये जो व्यक्ति है अपोजिट सेक्स वाला, विपरीत लिंग वाला, ये आपके जीवन को तो प्रभावित करता ही है, इसके साथ में आपके भाग्य में भी अवरोध पैदा करता है। हम आगे चलते हैं, आप देखते हैं शुक्र क्षेत्र से ही एक लंबी रेखा शुरू होती है और ये पहुंच जाती है विवाह रेखा के पास। जब ये रेखा आगे बढ़ती है तो पहले काटती है भाग्य रेखा को, फिर ये काटती है दूसरी भाग्य रेखा को, फिर ये काटती है मस्तिष्क रेखा को, फिर ये काटती है हृदय रेखा को और फिर ये पहुंच जाती है विवाह रेखा के पास।
यानी नुकसान ही नुकसान। और अगर इसने विवाह रेखा को टच कर लिया तो फैमिली लाइफ में तो डिस्टर्बेंस करेगी करेगी, और अगर काट दिया तो फिर आप समझ लीजिए क्या होगा, तलाक हो सकता है, शादी के टूटने की नौबत आ जाएगी। चार नंबर रेखा ये मंगल पे है और ये रेखा जीवन रेखा कार्ड है, तो विपरीत लिंगी से संयोग है मगर हानि नहीं है। तीन नंबर रेखा अगर ये जीवन रेखा को काट के आगे भाग्य रेखा पर पहुंच जाए तो विपरीत लिंगी जिसका आपका संयोग हुआ है, आपकी शादी नहीं हुई उससे, आपकी स्त्री नहीं है वो, पति नहीं आपका, यहां ब्लैकमेल की नौबत आ सकती है और आपकी जो प्रोफेशन है, आपकी जो जॉब है वो खतरे में पड़ सकती है। इसके बाद फिर एक रेखा है जो मैंने बताई शुक्र क्षेत्र से चलने वाली रेखा, ये शुक्र क्षेत्र से चलने वाली रेखा ये बुध क्षेत्र पर पहुंच गई और ये भी वही काम कर रही है जो काम शुक्र क्षेत्र से चलने वाली रेखा कर रही थी। इसको मैंने नंबर दिया है 7 शुक्र क्षेत्र वाली रेखा को, और मंगल वाली रेखा को दिया है मैंने 8 नंबर, यानी 7 नंबर रेखा और 8 नंबर रेखा दोनों ही आपके लिए परेशानी का कारण है। ये आपकी आपके लिए मेंटल टेंशन क्रिएट करती हैं, ये आपके भाग्य को प्रभावित करती हैं, ये आपकी बदनामी भी करा सकती हैं और ये आपके पारिवारिक संबंधों में भी विघ्न पैदा कर सकती हैं। और अगर ये खुदा न खास्ता विवाह रेखा को कर जाती है तो पति पत्नी मारपीट तो हो ही जाएगी, मामूली बात है, और तलाक की नौबत तो आनी ही है। तलाक भले ही ना हो, सेपरेशन तो हो ही जाएगा। अब मैं थोड़ा सा आपको कुछ चिन्हों के बारे में बता रहा हूं जो हमारे भाग्य को प्रभावित करते हैं भाग्य रेखा के ऊपर उपस्थित होने के कारण। पहले तो आप इस चित्र को देख लीजिए ध्यान से, मैंने इसमें नंबरिंग नहीं की है, आप ये लाल चिन्ह जो है इन पे ध्यान दीजिए केवल। इसमें पहला तो आइलैंड है, दूसरी वर्ड ये लाइन्स हैं कटिंग लाइन, तीसरा क्रॉस है, चौथा स्क्वायर है, पांचवा स्टार है और उसके बगल में क्रॉस है। तो आप ये देखेंगे कि इसमें जो आइलैंड है, जब तक ये द्वीप आपके हाथ में रहेगा तरक्की तो कर नहीं पाएंगे, आपकी कोई पारिवारिक समस्या जैसे पिता की बीमारी, माता की बीमारी, ये चिन्ह अगर यहां मौजूद है तो ये जीवन रेखा और मस्तिष्क रेखा की संधि पर भी हो सकता है, उस स्थिति में ये ज्यादा दुखदायी होगा। ऐसे जातक जो हैं अपने भविष्य का निर्माण नहीं कर पाते, बहुत ज्यादा प्रतिभाशाली काबिल होने के बावजूद, मैं एक ऐसे व्यक्ति को जानता हूं जिसने 2 अलग अलग सब्जेक्ट्स को लेकर डॉक्टरेट की डिग्री हासिल की है मगर अपने पिता की बीमारी की वजह से ये जातक अपने भविष्य का निर्माण नहीं कर पाया। इसने अपने 10-12 साल अपने पिता की सेवा में बिताए तो, परंतु अब चांस है, ही कैन प्रोग्रेस, ही हैज अपॉर्चुनिटी, वो अपने मस्तिष्क को संयत करके आगे बढ़ने की कोशिश करेगा तो निश्चित रूप से अच्छे परिणाम मिलेंगे। अगली जो लाइन मैंने बताई थी आपको, 3-4 लाइनें ये काटती हैं भाग्य रेखा को, ये विघ्न ही पैदा करेंगी। एक नौकरी छूट गई, दूसरी मिली, दूसरी छूट गई, तीसरी मिली, तीसरी छूट गई, चौथी मिली, या तो ये नौकरी को छोड़ देगा जातक, या मालिक लात मार के निकाल देगा, या चुगली करने वाले अपना खेल खेल लेंगे। अब हम आगे चलते हैं तो स्क्वायर आता है, अगर ये स्क्वायर जीवन भाग्य रेखा पर मौजूद है तो जातक के विरुद्ध षड्यंत्र करने वाले उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, वो अपनी लगन से, मेहनत से, ईमानदारी से तरक्की करके आगे बढ़ेगा। अब हम आ जाते हैं स्टार के ऊपर, तारा।
ये जो तारा है बहुत शुभ चिन्ह है, अशुभ केवल एक ही जगह होता है और वो है शनि। और अगर शनि पर अशुभ चिन्ह मौजूद हो, आप सोचिए क्या होगा, महात्मा गांधी, हिटलर दोनों के साथ ये होगा। क्रॉस हो, क्रॉस केवल जुपिटर पे शुभ होता है, केवल जुपिटर पे। सैटर्न केवल शनि पे अशुभ होता है। और अगर क्रॉस मौजूद है जेल तो भिजवाई देगा पक्का। अब अगर इन में से किसी भी चिन्ह को हो स्क्वायर ने कवर कर लिया है, कितनी विपरीत परिस्थिति आ जाओ जातक उसको पार कर जाएगा, उसको कोई हानि नहीं होगी, आई एम 100% श्योर। इस प्रकार मैंने आपको ये थोड़े चिन्ह बताए। मैं स्ट्रेस इसी बात पे कर रहा हूं कि हाथ में सूर्य रेखा होने से, सूर्य रेखा के संयोग से सोने में सुहागा हो जाता है। और अगर सूर्य रेखा और शनि रेखा दोनों एक दूसरे के समांतर चल रही है, जैसे शुरू में तो पास होंगे होंगे, बट अल्टीमेटली जब ये पहुंचती है हृदय रेखा के पास तो समांतर हो जाती है। और जब ये समांतर होती है तो जातक की विपरीत परिस्थितियां भी उसके फेवर में हो जाती है, उसका प्रोग्रेस 100% श्योर है। ही विल बी लव, ही विल बी रेस्पेक्टेड, ही विल बी ऑनर्ड इन द सोसाइटी एज यू सी। तो इस प्रकार मैंने आपको बहुत संक्षेप में आपको भाग्य रेखा के बारे में बताया। मैंने अपने ब्लॉग bharatiyashiksha.blogspot.com के ऊपर जो राइटअप है लकलाइन के ऊपर, उसमें मैंने इसके बारे में बहुत विस्तार से वर्णन किया है। अभी मुझे टाइम लगेगा ये फोटो ब्लॉग में ले जाने में, फिर भी उसमें कुछ हिस्सा हिंदी में है, कुछ इंग्लिश में है। आप अगर पढ़ेंगे तो आपको स्वतः अपने भविष्य की जानकारी प्राप्त हो जाएगी। मैं यहां एक बात कहना चाह रहा हूं आपसे, मैं, मेरी पत्नी और मेरा बेटा, हम तीनों के हाथ में ही भाग्य रेखा नहीं थी। मेरे हाथ में भाग्य रेखा बनी 21-22 साल के बाद, सेम कंडीशन विद माय वाइफ एंड सन। परंतु मैं एक बात जानता हूं, मैंने दिन में 18-18 घंटे काम किया है, वही स्थिति मेरी पत्नी की है। और मेरा लड़का इस सर्विस में बहुत डिवोशन के साथ काम करता है। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि प्रारब्ध ही सब कुछ नहीं है। आप, मेरी उम्र 71 साल है, मैंने इस 71 साल में जो अच्छे बुरे कर्म किए हैं वो मेरे प्रारब्ध को बदलने में सक्षम हैं, और उन्होंने बदला है, मैं निर्णय करके बता रहा हूं। इसके बाद इस वक्त जो मैं काम कर रहा हूं, आपका एक गाइड के तौर पे, मार्गदर्शक के तौर पे जो आपको बता रहा हूं, ये शुभ कार्य है, और ये शुभ कार्य भी मेरे प्रारब्ध को बदलने में सक्षम है। अब मैं आपको वो कारण बता रहा हूं, मैंने जीवन में 18-18 घंटे काम क्यों किया। आप मेरे हाथ में देखिए जीवन रेखा को, जीवन रेखा की बगल में एक रेखा मार्क कर रहा हूं पेन से मैं। ये दो रेखाएं देखिए आप, इसके अंदर जो एक छोटी रेखा है जो जीवन रेखा से अलग है, मेरे हाथ में ये जीवन रेखा से जुड़ी हुई थी। और हाथ रेखा विशेषज्ञ होने के नाते मुझे मालूम था कि मेरा जो बुढ़ापा है, मेरी जो ओल्ड एज है, उसमें मैं हो सकता है हैंड टू माउथ ही हो जाऊं, मेरे पास कुछ भी ना बचे, हो सकता है कि मुझे दूसरों जबान के खाना पड़े। इसने मुझे अलर्ट कर दिया, वो प्रारब्ध था, इसने मुझे अलर्ट कर दिया, और मैंने अपने जीवन को बदलने का प्रयास किया। और ईश्वर की इच्छा, मेरी मेहनत दोनों रंग लाई। वैसे तो मैं सारा श्रेय ईश्वर को ही दूंगा, गणपति को भी,
उन्होंने बहुत साथ दिया। मेरा कहना है पूजा पाठ प्रार्थना कभी व्यर्थ नहीं जाते, ईश्वर को याद करिए वो भी आपको याद कर रहा है। इतना कहेंगे, नमस्कार, बहुत जल्दी फिर नए वीडियो साथ मिलेंगे।